मैं समय जम्मू के कच्ची छावनी में हूँ, लाइब्रेरी के पास से एरिया है। जिस तरह से JKSSB के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन की आज कॉल दी थी, उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनके रेजिडेंस में मिलके आए थे, उनको इन्विटेशन दे के आए थे आप हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुँच गए हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं वो इनसे मिल रहे हैं और इनकी जो व्यथा है उसे समझ रहे हैं। लगातार लाठीचार्ज जो होता है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो एपटेक कंपनी है उससे JKSSB एग्ज़ाम ना कराए, उसे हटाया जाए। उसके विरोध में आज यहाँ से इन्होंने लाइब्रेरी से लेकर गवर्नर हाउस तक जो है वो पैदल मार्च, कैंडल मार्च करने का जो है वो निर्णय लिया है। उसके बाद यहाँ पर जमावड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। फारूक अब्दुल्ला के हाथ में आप देखेंगे यहाँ पर ये झंडा है छोटा सा, और वो बच्चों को एड्रेस भी कर रहे हैं। लगातार भारी संख्या में यहाँ पर युवा हैं। देखिए अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जितने भी ये एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, और जस्ट आधे घंटे पहले ये लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनके घर में जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी वहाँ पर इन लोगों ने मुलाकात की। उसके बाद इनवाइट किया कि हमारे प्रोटेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए, हमें जो है वो हिम्मत मिलेगी। तो तुरंत इनकी बात सुनते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं एक्सचेंज रोड के बिल्कुल चौक पे, बिल्कुल लाइब्रेरी के बाहर जो कच्ची छावनी का रास्ता जाता है, और यहाँ से कुछ ही अगर हम बात करें मीटर आगे जो है वो राजभवन भी है। कैंडल मार्च यहाँ से निकाला जाएगा और जो भारी संख्या में जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इस पूरी यहाँ पर स्थिति को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट भी है। पूरा अगर आप यहाँ पर देखें कच्ची छावनी जो है इस समय ये कह सकते हो कि छावनी में कन्वर्ट हो गया है। ट्रैफिक पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी बात, आज उपराज्यपाल जम्मू में थे, कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, राजभवन में है, और उन्हीं के उनके राजभवन तक यहाँ से कैंडल मार्च ले जाने के लिए तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं आपके साथ चलूँगा, और यहाँ पर पहुँचे हैं वो। सबसे बड़ी बात, क्या जो उस दिन घटना घटी थी जब प्रेस क्लब के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस समय छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, क्या उस तरह की घटना अगर उस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती भी जा रही है। ये इस समय विजुअल्स हम आपको कच्ची छावनी लाइब्रेरी के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है इस समय इन तमाम एस्पिरेंट्स को एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी यहाँ से आगे ये पूरा मार्च जो है ये राजभवन की ओर चल रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगे की ओर चल रहे हैं। हालांकि इनसे कहा गया कि कैंडल मार्च में आप हमें सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सपोर्ट करते हुए नज़र आए। यकीनन बात सुनेंगे, तो कह रहे हैं कि जिस पार्टी को आपने दिया है वो ब्लैकलिस्टेड पार्टी है, उसको हटाइए और हमसे इंसाफ कीजिए। यही बच्चे मांग रहे हैं, वो कहीं टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो भारतीय हैं और उनका हक है, वो आपके हक से लड़ रहे हैं। 21 साल को उनका हक देना चाहिए। यहाँ पर इस समय एस्पिरेंट से मिल करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला निकले हैं, हालांकि मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन जो उनके सिक्योरिटी कर्मी हैं उन्होंने सबको पीछे कर दिया। धक्का मुक्की इस समय काफ़ी हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, और यहाँ पर लगातार विरोध जो है वो JKSSB के खिलाफ नज़र आ रहा है, और ज़ोरदार रोष प्रदर्शन जो है इस समय कच्ची छावनी में होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से कच्ची छावनी जो है ये छावनी में तब्दील हो गई है। कितने पुलिस, देखिए आप सिक्योरिटी देखिए, ये तमाम सिक्योरिटी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर हाथ में झंडे को हिलाते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और इस मार्च को जो कि मार्च राजभवन तक जाना है, इस मार्च के साथ आगे आगे चलते हुए बच्चों को बोला है कि वो भी आगे तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये उनका काफिला यहाँ से आगे बढ़ता हुआ एक्सचेंज रोड से टूवर्ड्स राजभवन की ओर, और भारी भरकम यहाँ पे इस समय सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं क्योंकि उन बच्चों को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने ये कहा था कि हम
राजभवन की ओर जो कैंडल मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से JKSSB झुक नहीं रही है, वो लगातार एपटक के जरिए जो इम्तिहान है वो करवाने की बात कर रही है। और यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर इनकी सपोर्ट में यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और ये तस्वीरें एजाज जान उनके साथ, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और अभी राजभवन की ओर हाथों में झंडा लहराते हुए छोटा सा ये आगे बढ़ रहे हैं और राजभवन तक ये किस्म से प्रोटेस्ट मार्च करते हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी अपने घर में थे, पत्रकारों से उन्होंने बात भी की, और जिस तरह से बच्चों ने इनविटेशन दिया था इन्हें कि आप हम आइए हमारा प्रोटेस्ट मार्च ज्वाइन कीजिए, उसके बाद प्रोटेस्ट मार्च ज्वाइन किया। और ये एक बड़ा संदेश है सरकार के लिए कि छात्रों के साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और MP वो साथ हैं। इस समय ये पूरा प्रोटेस्ट मार्च राजभवन की ओर आगे बढ़ता हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साथ में चल रहे हैं, कई सारे अन्य जो हैं वो नेता आगे साथ में चलते हुए, और ये प्रदर्शन यहाँ पर ज़ोरदार इस समय। और पीछे बच्चे अगर हम बात करें, उन्होंने भी आना है, और ये पूरा प्रोटेस्ट मार्च यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद कैंडल मार्च के ज़रिए वो तमाम बच्चे जो हैं वो राजभवन की ओर जाएंगे।